हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं आरसीसीबी और आरसीबीओ, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। बेसिकली ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही कम वीडियोस है यूट्यूब पे, इसके लिए मैं इसको बना रहा हूँ। याद रखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरसीसीबी को समझने से पहले हम लोग एमसीबी को समझते हैं। एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आमतौर पर हमारे घरों में यूज होता है। इसका जो काम रहता है, मतलब ये बेसिकली हमारे घर में जो मेन स्विचेस रहते हैं, पहले हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, आज की तारीख में उसकी जगह पे एमसीबी का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। इसका जो मेन काम क्या रहता है, वोल्टेज लो हो जाने पर यानी कि करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमें तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये ओवरलोड करंट आ गया या शॉर्ट सर्किट हो गया कोई भी सर्किट के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर, तो ये खुद को ट्रिप करता है, यही उसकी खासियत है। क्या बोला मैंने, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ये दोनों चीज से हमें प्रोटेक्शन करने का जो काम करता है, हमें तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, तो उसको कौन बोलता है, एमसीबी, ठीक है। दूसरी जो चीज थी वो थी आरसीसीबी। आरसीसीबी इसका थोड़ा सा अपर वर्जन रहता है। आपने बहुत सारे जगह पे एमसीसीबी के बाद आपने आरसीसीबी देखा हुआ रहेगा। आरसीसीबी क्या रहता है, तो ये रेसिडुअल सर्किट या करंट डिवाइस, आरसीडी बोलते हैं, या आरसीसीबी का मतलब होता है रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर। ओके, रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, ये उसका फुल फॉर्म है। बेसिकली इसका जो फंक्शन रहता है, ये क्या करता है, वो समझो पॉजिटिव यानी कि लाइव वायर से करंट अंदर भेजता है और न्यूट्रल वायर पे कितना सप्लाई आ रहा है, ये दोनों को चेक करता है। जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि भाई न्यूट्रल और फेज में कुछ डिस्टर्बेंस है या अर्थ में कुछ करंट आ रहा है, अर्थ से कुछ करंट आ रहा है यानी कि कुछ इनवन हो रहा है सर्किट के अंदर, कुछ लीकेज करंट हो रहा है या अर्थ वायर से करंट आ रहा है, तो या शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ही फेज और न्यूट्रल के बीच में उसको मालूम पड़ा कि भाई कुछ डिफरेंस है, तो ये खुद को ट्रिप कर देगा। इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। एमसीबी से मैंने क्या बोला, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आरसीसीबी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्यों, मान लो कि कोई इक्विपमेंट खराब है और आपने उसको गलती से छू लिया, चालू किया और आपने उसको गलती से, तो करंट जो है आपकी बॉडी से जाएगा, तो ये आरसीसीबी क्या करेगा, जो फेज में से जा रहा है और न्यूट्रल से जा रहा है, तो इंबैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि इंबैलेंस हुआ, खुद को ट्रिप कर देगा। तो यही होता है आरसीसीबी, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है, हमारी प्रोटेक्शन के साथ साथ में हमारे इक्विपमेंट के भी प्रोटेक्शन के लिए, और बेसिकली अर्थ लीकेज या अर्थ वायर से जब ये लीकेज होता है करंट, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी का प्रयोग होता है। क्लियर है इतना। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एमसीबी और आरसीसीबी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, बाद में आरसीबीओ की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये दोनों के डिफरेंस देखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे ऑनलाइन में सर्किट रिपेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मोटर रिमाइंडिंग, सोलर पावर, टैली, एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, वायरमैन, आर्डिनो, ऑटो कैड, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ऐप। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आरसीसीबी, यानी कि आरसीसीबी और एमसीबी के बीच में डिफरेंस की मैं बात करूं। तो सबसे पहले आरसीसीबी का मतलब होता है रेसिडुअल सर्किट या करंट सर्किट ब्रेकर, आप बोल सकते हैं ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहता है। ये दोनों के बीच में पहला डिफरेंस, लेकिन मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन के मामले में ये अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रॉनिक शॉक से हमें बचाने का काम करता है आरसीसीबी, जबकि एमसीबी जो रहता है वो ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट, ये दोनों को खाली प्रोटेक्शन देता है, ये हमें प्रोटेक्शन नहीं करता, ये क्या करता है, ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट, ये दोनों से प्रोटेक्ट करता है, जबकि आरसीसीबी अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रॉनिक शॉक से हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये दोनों के जो काम करने के तरीके दोनों के अलग अलग है। ये इनसेंसिटिव है, अगर आरसीसीबी की बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट को या ओवरलोड को चेक नहीं करता है, ना ही उसको समझ सकता है वो, और एमसीबी इलेक्ट्रिक शॉक को नहीं समझ सकता, ये दोनों ये चीजों को नहीं समझ सकता है, ठीक है, इसलिए दोनों को साथ में लगाया जाता है। समझ में आ रही बात, ये जो है सिलेक्शन होता है लीकेज करंट के हिसाब से, और ये सर्किट जो है ओवरलोड ना हो जाए या शॉर्ट सर्किट ना हो उसके बेसिस पे इसको सिलेक्शन होता है। ये जो है दो पोल या चार पोल में उपलब्ध रहता है, जबकि ये तीन दो पोल, तीन पोल, चार पोल, इस तरह से अलग अलग वर्जन में उपलब्ध रहता है।
आरसीसीबी की बात करें तो ये ट्रिप करता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा रहती है, 10 मिली एम्पियर या 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर, जैसा हमारा लोड रहता है उसके अनुसार हमें मिली एम्पियर चूज करके हम लोग ट्रिपिंग जो है कैपेसिटी बोल सकते हैं, जितना कम उतना फटाफट ट्रिप हो सकता है वो, ठीक है। जबकि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जो करंट की जो रेटिंग रहती है वो 6 एम्पियर से 150 या 125 एम्पियर तक की, हालांकि उससे बड़ी भी आती है आजकल, तो उतने अवेलेबल रहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में। अभी बात करते हैं आरसीबीओ के बारे में, यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, इतना बड़ा नाम है इसलिए उसको बोलते हैं आरसीबीओ। क्या है? रेसिडुअल सर्किट या करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी इन शॉर्ट में बता दूं, इसमें एमसीबी और आरसीसीबी ये दोनों को जो मिलाकर बना दिया गया ना वो आरसीबीओ है। यहां पे देखो मैंने बताया भी है, ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ आरसीसीबीओ एंड एमसीबी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीबीओ, ठीक है। ये आरसीबीओ जो है वो शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, ओवरलोड से हमें प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ अर्थ लीकेज से भी प्रोटेक्शन करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉक से भी हमें प्रोटेक्शन करता है, यानी कि दोनों चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो यही बात होती है आरसीबीओ के बारे में। तो यहां पे ओवर करंट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज वगैरह सब क्यों करता है, इसलिए इसको ज्यादा एडवांस माना गया, अभी अभी आया हुआ है इसलिए एडवांस माना जाता है। बहुत सारी जगह पे आपने आरसीबीओ नहीं देखा रहेगा, आरसीसीबी का ही इस्तेमाल करते हुए लोगों को देखा रहेगा, लेकिन ये नया प्रोडक्ट है अभी। अगर मैं बात करूं डिफरेंस के बीच में आरसीसीबी और आरसीबीओ, ये दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मेजर डिफरेंस ये है कि आरसीसीबी जो रहता है ना ये खाली करंट लीकेज और करंट लीकेज को ही बेसिकली चेक करती है, अर्थ लीकेज, करंट लीकेज या शॉर्ट सर्किट को ही चेक कर, शॉर्ट सर्किट नहीं सॉरी अर्थ लीकेज को या शॉक, इलेक्ट्रॉनिक शॉक को ये पहचानती है। जबकि आरसीसीबीओ एमसीबी यानी कि ओवरलोड, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, साथ ही साथ आरसीसीबी यानी कि अर्थ लीकेज, इलेक्ट्रॉनिक शॉक, ये सबको पहचानने का काम करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाता है आरसीबीओ। अगर मैं बात करूं और एक चीज की, तो आरसीसीबी लगाने के लिए हमें एमसीसीबी जरूरत पड़ती है, जबकि आरसीबीओ वो अलग से एक ही जगह पे लगा सकते हैं, अलग से ही लगा सकते हैं, आपको एमसीबी की उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आरसीसीबी की बात करें तो ये कम एक्सपेंसिव है, आरसीबीओ थोड़ा सा महंगा है क्योंकि नया नया है और उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोल रहता है जो कि ये सब काम करने का प्रोसेस करता है। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन आरसीसीबी एंड आरसीबीओ। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखें कि ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपको करना ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखें अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।